हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम पम्पकिन की सीडलिंग्स मतलब हलवा कद्दू, पेठा कद्दू, इसको हम ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं किसी बड़े गमले में। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है 2-3 दिन से। अब ना हमें कोई ड्राई मिट्टी मिल रही है और हमारा ये गमला भी टूट गया। अब इसको ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी है, और इसको एक एक करके भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते थे, लेकिन हमें ताज़ा मिट्टी नहीं मिली है। जब भी आपने किसी बेबी प्लांट को ट्रांसप्लांट करना हो, तो आप कोशिश किया करें ताज़ा मिट्टी हो, ड्राई मिट्टी हो, उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया करें, और बाद में थोड़ा सा ज़्यादा पानी देना। अब हमें फ़्रेश मिट्टी नहीं मिली है, हमने एक पुराने गमले की मिट्टी निकाली है जिसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, लेकिन अब की बार हम ये सारा का सारा गमला एक ही जगह पर ट्रांसप्लांट कर देंगे। पिछले साल भी हमने इसी तरह किया था, 8-10 बेबी प्लांट्स को एक ही गमले में ट्रांसप्लांट कर दिया था और उसको छत के कॉर्नर में रख दिया था। अब सितंबर चल पड़ा है, इतनी ज़्यादा धूप नहीं होती है, छत के जो टेम्परेचर है, छत के ऊपर जो मिट्टी होती है, टाइल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होती। आपकी जो बेलें बनेंगी वो आप छत के ऊपर बिछा सकते हैं, अगर पॉसिबल हो तो नीचे कोई गत्ते की शीट रखते हैं या कोई भी पॉलीथीन वगैरह बिछा दें जिससे बहुत ज़्यादा हीटअप ना हो। ओवरऑल आजकल मौसम अच्छा है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, छत इतनी ज़्यादा हीटअप नहीं होगी। अब इस गमले के अंदर जो फर्टिलाइज़र ऐड किया है हमने, वो हमने 30% गली सड़ी कंपोस्ट है, आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप गले सड़े गोबर की खाद भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें सारी की सारी सादा मिट्टी है, आपने खुद से बहुत ज़्यादा सैंड को ऐड नहीं करना है। इसके अंदर आप बुझा हुआ चूना डाल सकते हैं, लकड़ियों की राख डाल सकते हैं जिसे हम बंट वुड ऐश कहते हैं। ऐश के अंदर बहुत ज़्यादा पोटाशियम होता है, सल्फर होता है, वो आपके बेबी प्लांट्स को एकदम से बूस्ट करता है, उसके ऊपर फ्लावरिंग जल्दी आती है, और जब फ्लावरिंग जल्दी आती है तो वो जितने के जितने फ्लावर्स होते हैं वो आपका फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो हमारा चूना होता है उसमें कैल्शियम होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। अब हमने इनको ट्रांसप्लांट कर दिया है। आपका चाहे गमला ड्राई हो, चाहे पहले से उसमें मॉइस्चर हो, आपने बेबी प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करने के बाद आपने पानी फिर से देना ज़रूरी होता है। इस तरह ये होगा कि जब आप पानी देंगे, जो रूट्स होंगी उसके साथ बिल्कुल मिट्टी अटैच हो जाएगी, चिपक जाएगी, और बेबी प्लांट को जो ट्रांसप्लांट शॉक के इश्यूज होते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। अब ये वाइन्स हैं और बड़ा गमला है, ये 22 इंच का गमला है, प्लास्टिक का गमला है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रेनेज होल्स हैं, मतलब 7 से 8 छोटे छोटे ड्रेनेज होल्स हैं। प्लास्टिक के गमलों में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होता है, ड्रेनेज की प्रॉपर्टीज़ कम होती हैं, इसलिए आप इसको अगर इनडोर रख ले तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर आप आउटडोर रखते हैं तो आपने ड्रेनेज होल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अब ये सारी की सारी वाइन्स बहुत जल्दी फैलती जाएंगी, कोई एक साइड पे चली जाएगी, किसी को हम दूसरी साइड पे मैनेज कर लेंगे। अब सेकंड अपडेट जब शेयर करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि जो पम्पकिन की सीडलिंग होती है, इसकी जो बेल होती है, वाइन होती है, वो एटलीस्ट 10 फीट 15 फीट तक लंबी चली जाती है, और इसके ऊपर बड़े साइज़ के कद्दू लगते हैं। सामने हमने मूंजी भी लगाई हुई है, और अब की बार हमने चिलीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की, ऑलमोस्ट हर टाइप्स की हमारे पास चिलीज़ के प्लांट हैं, और साथ ही यही प्रोसेस हमने कद्दू के साथ भी कर सकते हैं। जब भी आप कद्दू को ट्रांसप्लांट करें आप बिल्कुल यही प्रोसेस कर सकते हैं, और अगर फ्रेश मिट्टी मिले उसके अंदर आप बेबी प्लांट को लगाएं, उसके बाद ज़्यादा पानी देना, इतना पानी देना है कि ड्रेनेज होल से पानी एक बार निकल जाना चाहिए, चाहे मिट्टी ड्राई हो चाहे मिट्टी ऑलरेडी मॉइस्ट हो, आपने फर्स्ट टाइम ज़्यादा पानी देना होता है। ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है, मौसम अब चेंज हो गया, सितंबर भी अब ऑलमोस्ट मिड में आ गया और बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो आप एलोवेरा का जो पानी होता है, मतलब एक एलोवेरा का जेल निकालें, उसको पानी में अच्छे से मिक्स करें, अपने गमलों में थोड़ा थोड़ा पानी से दे सकते हैं, वो एंटी फंगल होता है, वो नेचुरल रूटिंग हार्मोन होता है, आपके प्लांट को एकदम से बूस्ट करता है। और जो ओवर वाटरिंग के इश्यूज़ होते हैं, मतलब जो रूट्स के अंदर गलने लगती हैं, रूट्स या फंगस लग जाता है, उसको भी रिड्यूस कर देता है, और आपके प्लांट्स जो हैं एकदम हेल्दी हो जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।